हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये चैप्टर नंबर 13 अमाइन की वीडियो नंबर 7 है और आज सैटरडे है, डेट है 2nd ऑफ जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और आज जो ये वीडियो जो रिकॉर्डेड है वो असल में जो मंडे को नया क्रैश कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है तो उसकी वजह से ये जो क्लास है बची हुई इसकी वो आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अमाइन की उन बची हुई क्लासेस को। 4 क्लास इसकी बची हुई है, बाकी जो रिवीजन है और जो क्रैश कोर्स में सारी की सारी जो कंप्लीट केमिस्ट्री हम रिवाइज करेंगे उसमें हम कुछ नई नई चीज़ें भी सीखेंगे, नए नए टॉपिक भी सीखेंगे जो अब तक हमने नहीं किए। तो शुरुआत करते हैं, कन्वर्जन पे हम आए हुए थे और कन्वर्जन के लिए मैं आपको कुछ दिखा दूँ। एनसीईआरटी के अंदर हमारी जो कन्वर्जन है वो असल में इस तरह से दी गई है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 ये कन्वर्जन का है, कन्वर्ट, ये इतनी सारी कन्वर्जन है, सारी खत्म हो जाएंगी। और इसके अलावा और भी कन्वर्जन है, नंबर 8 पर ये इतनी सारी जो कन्वर्जन है ये भी सारी खत्म हो जाएंगी। कुछ तो आधी खत्म हो चुकी है, कुछ आज ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक एक करके इनको देखते हैं हम कहाँ पे आ गए थे अपने टॉपिक में। हमारा जो अगली कन्वर्जन है ये 13.8 से रिलेटेड है। ये 13.8 आपकी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसकी नंबर 1, 2, 3 जो भी है सारी देखेंगे। असल में क्या है, 13.5 की जो कन्वर्जन थी वो आपकी एलिफैटिक थी, ये थोड़ी एरोमेटिक है, यहाँ बेंजीन की रिंग आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ये 13.8 की कन्वर्जन, सबसे पहले नाइट्रो बेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो यहाँ है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, तो ये है नाइट्रो बेंजीन और इससे बनाना है आपको क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। बेंजीन के ऊपर NO2, दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन और इससे जो बनाना है वो है बेंजोइक एसिड, ये आपका बेंजोइक एसिड है, COOH, ठीक है। तो डाइजोनियम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डाइजोनियम में हम क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे और क्या क्या चीज़ फॉर्म होगी ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो एरो है यहाँ पर वो सबसे पहले हमें बताता है क्या बनाना है, यहाँ पर NH2 बनाना है। इसके लिए आपने याद कर रखा होगा Fe+ में HCl या फिर SN+HCl, राइट। और अब ये एनिलीन जो बना है इसमें हम डालेंगे क्या, NaNO2+HCl, NaNO2+HCl, इससे क्या बन जाएगा, हमारा डाइजोनियम बन जाएगा। और डाइजोनियम बनने के बाद आप 3 डायमेंशनल वे में सोचने लगते हो, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। ये हम कन्वर्जन और रोड मैप जो आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद अगर आपको COOH तक पहुंचना है तो बड़े आराम से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, ये है आपका बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। CN कैसे लगेगा, यहाँ CuCN डाल दो, ये बन गया। और अब इसमें आप बड़ा इजीली क्या डाल सकते हो, KMnO4, सॉरी फुल हाइड्रोलिसिस, जिसमें H2O/H+ ये फुल हाइड्रोलिसिस है जो CN का COOH बनाता है। तो ये कन्वर्जन आपकी होती है ख़त्म। आसान सी कन्वर्जन थी, कुछ इसमें ऐसा था नहीं कुछ नया। तो आगे चलते हैं नंबर 2, सेकंड कन्वर्जन पे। अगली जो कन्वर्जन है ये भी आपकी 13.8 से ही रिलेटेड है और मैं एक सीरीज में इन चीज़ों को करवाऊंगा। तो सबसे पहले सेकंड ना करके हम थर्ड को करते हैं क्या, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। बेंजोइक एसिड से बनाना है आपको एनिलीन, ये है आपका एनिलीन। अब बेंजोइक एसिड क्या है, ये आपका है COOH, ठीक है। और एनिलीन जो है आपका वो बेंजीन के ऊपर है NH2, एक बात तो साफ आपको दिखाई दी होगी यहाँ पे कि एक कार्बन जो है वो कम करना है हमें, ठीक है ना, एक कार्बन है वो कम करना है। और बड़ा इजीली आप कर सकते हो यार, एक कार्बन कम, याद करो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को, ये हमें एक कार्बन कम करने की ट्रिक सिखाता था, बेंजामाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। और इसमें ऐसा क्या ऐड करोगे जो बेंजामाइड बने, तो भाई आंसर है अमोनिया और हीट कर दो।
अमोनिया में जो ये OH है और अमोनिया का जो H है वो कंबाइन होके H2O को निकाल देंगे, बेंजामाइड बन जाएगा और अगला एरो बहुत से बच्चों को पता होगा। बिल्कुल, जो तुम्हारे मन में है वो बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर है Br2+NaOH, जिसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसको आप NaOBr भी लिख सकते हो, जिसको आप Br2+KOH भी लिख सकते हो। ये सभी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। नेक्स्ट जो हमारी कन्वर्जन है वो है नंबर 5 पे चलते हैं। मैं कुछ कन्वर्जन बीच में अभी स्किप कर रहा हूँ ताकि एक सीरीज में चलते रहें, अप डाउन ना हो। जो आपको याद है पता है उसको हम पहले करें। तो नंबर 5 है बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है 2-फिनाइल इथेनामाइन। बेंजाइल, दिस इज योर बेंजाइल क्लोराइड, क्लोराइड, और इससे जो बनाना है वो है आपका 2-फिनाइल इथेनामाइन। 2-फिनाइल इथेन अमाइन, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है ये बेंजाइल। बेंजाइल का जो नाम है वो आपको कुछ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। CH2, इसको बेंजाइल बोलते हैं। आगे लिख दो क्लोराइड तो ये क्लोराइड हो जाएगा। अगर COCl होता तो ये बेंजोइल होता, ओ आ जाता है यहाँ पर, जेड और वाई के बीच में ओ आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2-फिनाइल इथेनामाइन। इथेन होता है आपका 2 कार्बन, ठीक है, और 2 पे फिनाइल है, तो यहाँ पर आपका 2 पे आ गया फिनाइल, ये फिनाइल है। और इथेन अमाइन है तो जाहिर सी बात है यहाँ NH2 होगा, और ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तो इसीलिए काउंटिंग यहाँ से की गई है। क्लियर। अब आपको एक बात साफ पता लग गई कि यहाँ 1 कार्बन आपको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, आपका NaCN, राइट। ये आपको पता होगा इसके बारे में। तो क्या हम अगले में ये डालने वाले हैं, NaCN अगर डाल दें तो क्या बनने वाला है, तो भाई ये बनने वाला है क्या, CH2CN, ये बनने वाला है आपका। NaCl निकल गया, ये आ गया। अगला एरो कई बच्चों के दिमाग में होगा, और अगर आपके दिमाग में LiAlH4 है तो आप बिल्कुल ठीक हो। ये 2 हाइड्रोजन अटैच करवाएगा आपके कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, और बाकी 2 हाइड्रोजन ये अटैच करवाएगा यहाँ पे। एक कमाल का रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत महंगा रिड्यूसिंग एजेंट है। लैब में इसकी एक बोतल जो है वही होती है, और वो यूज़ करते हैं टीचर्स, बच्चों को नहीं दिया जाता है। वही 5 या 6 हज़ार की एक छोटी सी बोतल होती है, 200 ml की। आगे चलते हैं। अगला है ये रिएजेंट जो ऐड करेंगे हम नंबर 8 पे। नंबर 8 है हमारा बेंजामाइड से टॉलवीन। तो मैंने पहले सारे आसान से करवा दिए इसके, फिर हम मुश्किल जो कैटेगरी है उस पर भी जाएंगे। तो बेंजामाइड से क्या बनाना है आपको, टॉलवीन, ये बनाना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं बेंजामाइड को, बेंजामाइड से टॉलवीन बनाने के लिए। तो ये है आपका बेंजामाइड, बेंजीन के ऊपर CONH2 बेंजामाइड। बनाना क्या है आपको, टॉलवीन, ये है आपका टॉलवीन, ओके, ये बनाना है। देखो अगर डाइजोनियम बन जाए तो हम कुछ भी बना सकते हैं। डाइजोनियम तो है ही एक ऐसी चीज जिसे हम कुछ भी बना सकते हैं, बहुत से कंपाउंड डाइजोनियम से बनते हैं। तो पहले तो मैं इसमें डालूंगा NaOBr, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यू नो वेरी वेल। तो ये बनता है आपका क्या, NH2, NH2 बन गया। अब मैं इससे डाइजोनियम बना लेता हूँ, HNO2 0°C डालकर, ठीक है। NaNO2/HCl को ही HNO2 बोलते हैं, ये आ गया डाइजोनियम। अब डाइजोनियम से आप बड़ा इजीली क्या बना सकते हो, बेंजीन बना सकते हो, ठीक है। क्या डाल के, H3PO2, H3PO2 पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा गया कंपाउंड है, इसे हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं। और इसमें अगर आपको ये बनाना है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का यूज कीजिए, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यह है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और बन जाता है क्या आपका, टॉलुइन। नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। अगली जो कन्वर्जन है ये है आपकी एनिलीन से फॉर्म होने वाली कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन को करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज में आना चाहिए कि
लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, क्या केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो किसकी करी थी, एनिलीन की, कि अगर एनिलीन का नाइट्रेशन कर दिया जाए, इसका नाइट्रेशन कर दिया जाए कैसे, कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3 में, तो ये एक हैरत की बात है कि ये आपका तीनों पोजीशन पे अटैच करवाएगा। अगर आप देखोगे NH2 यहाँ पैरा पोजीशन पे NO2 है वो 51% होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ऑर्थो पोजीशन पे तो ये ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच करवाता है, और तो और ये मेटा पोजीशन पे भी अटैच करवाता है, और इसका मेटा भी तो कम नहीं 47% है, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन पे ये अटैच करवाने के लिए ये यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ये आपका 2% फॉर्म करता है, ये ऑर्थो पोजीशन पे भी, यानी तीनों पोजीशन पे इसका नाइट्रेशन करोगे तो ये आएगा। अब ऐसी कई कन्वर्जन है जहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा कि हम किस तरीके से ऑर्थो और पैरा पे ले जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दिया तो आपको कोई पैरा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी खेली है कि अगर इन केस एनिलीन में पैरा पोजीशन पे चीज को अटैच करवाना है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, तो आपको ग्रुप को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, और डीएक्टिवेट करने के लिए लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ये ऐसा था जो आप इसमें डालोगे तो ग्रुप को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, और ये आपका NH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और यहाँ जो ब्रैकेट के जस्ट अंदर है, हालांकि ट्वाइस है लेकिन ट्वाइस में से एक को ही लो, तो उसको मैं सीधा लिख दूँ तो CONH2 ये आ जाएगा, और इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। अब ये ग्रुप हो चुका है डीएक्टिवेट, ठीक है, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन था वो बचे हुए कंपाउंड के साथ मिक्स होगा, CH3CO, ये वाला भी ओ, और ये का इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये निकल गया। एसिटानिलाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, जिसमें से पैरा मेजर होता है, तो अब चाहो आप इसमें नाइट्रेशन कर सकते हो। कुल मिला के नाइट्रेशन जो है वो कभी भी डायरेक्ट करके कन्वर्जन करने की कोशिश सोचना भी मत एनिलीन में, ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। अगर आप नाइट्रेशन करवाना चाह रहे हो वो भी एनिलीन का, देन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है ना। इसको रेड से नहीं, इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको पता लगे ये बिल्कुल ठीक है और ये नाइट्रेशन डायरेक्ट गलत है, इसमें तीनों पोजिशन पे जाएगा वो। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो ग्रुप डीएक्टिवेट हुआ था उसने नाइट्रेशन में NO2 को मेजर आपका जो है पैरा वहाँ पर इसको अटैच करवा दिया, और ये आपका ये बन गया। लेकिन आपको दोबारा से अपना NO2 कंपाउंड चाहिए, तो यहाँ मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, ऐसा करने के लिए आपको वही बुक में देखोगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव इस तरीके से दिखा रखा है, लेकिन आप यहाँ पर वाटर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ का जो OH है वो कंबाइन होता है किसके साथ, OH जो है वो CH3, कई बच्चों ने ये भी नोटिस कर ही लिया होगा, खैर यहाँ CO CH3, बिल्कुल लाइव क्लास होती तो मुझे अच्छी तरह पता है इसके ऊपर अब तक ऑब्जेक्शन आ जाता, COCH3, राइट, COCH3, ओके। तो यहाँ पर CH3 और ये आपका CO और इसका OH यहाँ आ गया, और H जाके यहाँ अटैच हो गया, और ये आपका रिवाइव दोबारा से आ चुका है एनिलीन, और इस पोजिशन पे NO2। तो कुल मिला के ये चीज़ हमें क्या सिखा रही है, ये हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि है ही इतनी इम्पोर्टेंट रिपीट करना एसिटानिलाइड, कि कभी भी अगर हम कन्वर्जन में यूज़ करेंगे इसको तो हम इसको एसिटानिलाइड को का यूज़ करेंगे, ग्रुप को डीएक्टिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो केस है वो ये है कि आपको क्या कन्वर्जन करके दिखानी है, एनिलीन से 1, 2, 3, 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, एनिलीन से 4 ब्रोमो एनिलीन, एक वैसे कन्वर्जन लिख देता हूँ मैं, एनिलीन से 4 ब्रोमो एनिलीन। कैसे करोगे भाई, पहले एनिलीन लो,
ठीक है, ग्रुप को डीएक्टिवेट कर दो, क्या डाल के, CH3CO का ट्वाइस ओ, और पायरिडीन की प्रेजेंस भी होती है, पायरिडीन, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, एसिटानिलाइड, क्लियर, NH CO CH3। और जैसे एसिटानिलाइड मिला, आपको क्या करवाना है, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 भी करवा सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3 भी डाल सकते थे। तो ये आपका पैरा पोजिशन पे जोड़ देगा, ये आपका पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन आ गया, और ये आपका NHCOCH3 है। फिर से ग्रुप को दोबारा से हमें NH2 लाना है, तो वही H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, ये बुक का तरीका है। आप चाहो तो इसमें पानी भी डाल सकते हो, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, H2O/OH-, कई बुक में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ऐसे दिखा के। तो यहाँ दोबारा से आपका NH2 आ जाएगा और Br आ जाएगा, ये आपका 4 ब्रोमो या पैरा ब्रोमो एनिलीन बन चुका है। नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, दोबारा से NCERT में आते हैं। आपकी 13.8 की आपने नोटिस किया होगा, सेकंड कन्वर्जन नहीं हुई थी, तो अब हम सेकंड कन्वर्जन को करने लायक हो चुके हैं। क्या है ये, बेंजीन से कन्वर्ट करना है, किसमें, मेटा ब्रोमो फिनॉल, मेटा ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, और आपको जो बनाना है वो है आपका मेटा ब्रोमो फिनॉल, मेटा पोजीशन पे ब्रोमो, ये मेटा पोजीशन है, ब्रोमो और फिनॉल, यूनो OH, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि मेटा पोजीशन पे इसको कैसे अटैच करोगे, तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ सीधा सीधा नाइट्रेशन करवा दें, कॉन्क H2SO4+ कॉन्क HNO3, ये आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन अब हो चुका है बिल्कुल रेडी कि आप इसको, मतलब नाइट्रोबेंजीन कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये नाइट्रोबेंजीन, कईयों के दिमाग में अगर मेटा आया है तो करेक्ट आंसर है ये मेटा डायरेक्टिंग है। कौन कौन से ग्रुप कैसे कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, अगर मान लो इसके ऊपर CHO आता है, COOH आता है, NO2 आता है, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मेटा डायरेक्टिंग। अगर आपका बेंजीन के ऊपर मान लो OH आता है, Cl आता है, और तो CH3 आता है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और यहीं मैं एक अलग कलर में इसको भी लिखना चाहूँगा कि अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आता है तो ये आपका ऑर्थो मेटा पैरा तीनों डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। अब इस कन्वर्जन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर NO2 आ चुका है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बिंदास आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 करोगे तो ये आपका मेटा पोजीशन पे आधा काम तो हो गया खत्म, ठीक है। अब जस्ट आपको क्या करना है, NO2 को कन्वर्ट करना है OH में, तो क्यों ना एक काम करो, पहले NO2 को आप कन्वर्ट करने के लिए NH2 में कन्वर्ट कर लो, यानी मेरा कहने का मतलब है क्यों ना आप इसको NH2 में कन्वर्ट करो, ये ऐसा कैसा रहेगा, क्या डालकर, वही SN+HCl। अब इसको कन्वर्ट करने के बाद क्यों ना आप इससे डाइजोनियम बनाओ, तो ये आपका आ गया N2+CL-, दिस इज योर डाइजोनियम, Br एज इट इज है, और डाल दिया क्या आपने, HNO2 0°C। अब जैसे ये डाला आपने तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आपका यहाँ है फिनॉल और ये Br, तो नो प्रॉब्लम, इसे गर्म पानी बोलते हैं, अभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद चल रहा है, चाहे पी लो चाहे नहा लो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद, वॉर्म वाटर, ठीक है। तो ये आपका होता है यहाँ तक ख़त्म, वॉर्म वाटर के बाद फिनोल बन गया। अब हम चलते हैं आपकी जो कन्वर्जन है इसमें, अगली कन्वर्जन पे, एक और हमने स्किप की थी, 3 के बाद सीधा 5 की थी, अब हम कर रहे हैं 4 जो स्किप हुई थी, क्या थी, एनिलीन से बनाना है, एनिलीन से यू हैव टू कन्वर्ट व्हाट, यू हैव टू कन्वर्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ट्राई ब्रोमो और उसके बाद क्या, फ्लोरो
बेंजीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एनिलीन जो है इसे लो, ये एनिलीन है, और इससे जो बनाना है वो है 2,4,6, ये फ्लोरो है, तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। अब एक एक करके इसी जो स्टेप हैं वो देखना आप किस किस तरीके से हम यहाँ जाएंगे। याद होगा एनिलीन में अगर हम ब्रोमिनेशन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, लास्ट क्लास में बताया था एक्वस, तो ये तीनों पोजीशन पे, एनिलीन में तीनों पोजीशन पे इसको अटैच करवाता था, यहाँ भी अटैच करवाता था ब्रोमीन को, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तीनों पोजीशन पे इसे अटैच करवा देगा। अगर यहाँ तीनों पोजीशन में ये अटैच हो गया तो अब जस्ट फ्लोरो तक आपका जो सफ़र है वो चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, वही डाइजोनियम HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका डाइजोनियम आ जाएगा यहाँ पर, क्या N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट फ्लोरो चाहिए तो ये HBF4 डालोगे तो ये डायरेक्ट आपका फ्लोरो बेंजीन में इसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से एक कन्वर्जन है, इसको भी देखते हैं, क्या क्लोरो बेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन, इसको कैसे करोगे, क्लोरो बेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन, पैरा क्लोरो एनिलीन, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये NCERT में है या इसे बाहर है। क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन, बिल्कुल ये NCERT में है और ये आपकी कन्वर्जन नंबर 6 है। ठीक है ना, कन्वर्जन नंबर 6, तो लिख देते हैं भाई, कन्वर्जन नंबर 6 होगी आपकी, 6, 7 जो है वो हमने पेंडिंग छोड़ी थी, तो ये आपकी 6 होगी, और ये है आपका क्लोरोबेंजीन, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, और ये है आपका पैरा क्लोरो एनिलीन। ठीक है, अब पैरा पोजीशन पे क्लोरो बोल रहा है यार, यहाँ एक लॉजिक लगाना है आपको, लॉजिक, पैरा क्लोरो एनिलीन स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग मान लो यहाँ पर NH2 आ गया और ये Cl है, सपोज ऐसा हुआ है, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, NH2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके हिसाब से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ये नहीं कि आपने ऐसा लिख दिया तो अब ये आपका पैरा एनिलीन हो गया है, पैरा पोजिशन पे NH2 आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग ये है, तो इसके हिसाब से मॉलिक्यूल को कैसे भी लिख लो, काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, करेक्ट आंसर आएगा 4-क्लोरो एनिलीन या फिर पैरा क्लोरो एनिलीन, ये इसके हिसाब से पैरा है Cl, राइट। अब बात आती है कन्वर्ट कैसे करोगे, अब कन्वर्ट करने के लिए ये जो ग्रुप है ये ग्रुप बाई नेचर, अभी मैंने दिखाया था हैलोजन बाई नेचर क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो इसका सीधा नाइट्रेशन कर दो यार, सीधा नाइट्रेशन करोगे तो ये आपका पैरा पोजिशन को मेजर दिखा देगा, ये आपका यहाँ आ गया NO2 और ये Cl है। अब पैरा पोजिशन पे NO2 आने के बाद इसको क्या हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट यार, SN+HCl इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी जो 6th कन्वर्जन थी ये भी होती है खत्म। इसके अलावा एक है एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये भी देखते हैं, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन से पैरा ब्रोमो, लो जी ये आपकी नंबर 7 है, कुल मिला के लगभग सारी खत्म हो ही गई, नंबर 7 पे आ गए हैं हम, और नंबर 7 क्या है आपकी, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो ये है आपका एनिलीन NH2, और बनाना क्या है, पैरा ब्रोमो, पैरा पोजिशन पे ब्रोमो है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन ये बनाना है। ठीक है, अब पैरा पोजिशन पे ये डायरेक्ट तो अटैच करेगा नहीं, डायरेक्ट तो ये ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे अटैच कर देगा, तो नाइट्रेशन डायरेक्ट तो करेंगे नहीं,
इसीलिए हमें काम करने वाले हैं यहाँ पर CH3CO का ट्वाइस ओ यानी एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में इसको हम इस पोजीशन पे अटैच करवा देंगे, ये NHCOCH3। और ये आपका ग्रुप डीएक्टिवेट हो गया है। अब ये जो ग्रुप डीएक्टिवेट हुआ है ये आपका पैरा पोजिशन, पैरा डायरेक्टिंग और तो पैरा डायरेक्टिंग बन चुका है। अब आप चाहो तो बड़े आराम से Br2/FeBr3 ये करवाओगे, ठीक है। हालांकि ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था एनिलीन से पैरा ब्रोमो का, ये बस वही है आपके NCERT आ गई इसमें, और क्या है। अच्छा यहाँ पर हो गया आपका ब्रोमीन और ये आपका NHCOCH3 ये आ गया, और फिर से वही H2O/OH-, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, CH3CO और यहाँ से OH ये निकल गया और ये बन गया, दैट्स इट, खत्म। हालांकि हम ऊपर भी कर चुके थे। और एक बार आगे देख लेते हैं एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, चेक करते हैं क्या ये भी है एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। बिल्कुल ये भी है आपका, बाकी 8 तो हो ही चुका था। एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनेगा देखो भाई, तो यहाँ पर हमारी लास्ट कन्वर्जन आती है नंबर 10। 10 है, 9 है, क्या कौन सी है ये, मेरे हिसाब से तो 9 होनी चाहिए। 9, बिल्कुल नंबर 9 कन्वर्जन, लास्ट कन्वर्जन क्या, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब एनिलीन जो है ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2, और बेंजाइल अल्कोहल जो होता है ये होता है बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो भाई देखो एक कार्बन ज़्यादा है तो हम NaCN का उपयोग कर सकते हैं, अगर इसकी जगह दूसरी चीज़ का उपयोग करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, इसमें HNO2 डाल लो, डाइजोनियम बनाओ ताकि हम थ्री डायमेंशनली सोच सकें। तो ये बनता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, BDC भी बोलते हैं इसको, डाइजोनियम क्लोराइड। ये बनने के बाद आप इसका सीधा सीधा बेंजीन बना सकते हो, ठीक है, क्या डाल के, S3PO2 डाल के बेंजीन हो गया। अब देखो ये बात तो सभी को पता है यार, ये किससे बनता है, कन्वर्जन करनी है तो मैंने तरीका बता दिया है, इसको ध्यान से देखो और फिर ब्लैंक पेज पे सीखो, ये इससे बनेगा। अगर मैं डालूँ इसमें क्या डालोगे जो ये बन जाए, तो आप कहोगे एक्वास KOH डालेंगे, ये बन जाएगा। अब ये किससे बनेगा भाई, ये तो बनता है बड़ा इजीली आपका टॉलविन से, एरो की साइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा कमॉन, ओके। ये किससे बनेगा, ये टॉलविन से बन सकता है, क्या डाल के, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये जो बेंजीन है क्या बेंजीन से टॉलविन बन सकता है, एग्जैक्टली, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू ये आपका बन सकता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमारी कन्वर्जन जो है वो सारी होती है खत्म आपके NCERT की। इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके आप करोगे तो ये लगा लो कन्वर्जन एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी NCERT में कंप्लीट द रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, लॉन्ग क्वेश्चन सब सब में हेल्प करेगी। कहने का मतलब है जो शुरुआत है जहां से नर्व सिग्नल स्टार्ट होते हैं सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो कन्वर्जन है। कन्वर्जन में आपको ट्रिक्स पता लग जाते हैं, रिएजेंट के काम पता लग जाते हैं, इस रिएजेंट का क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, अगर ये फंक्शन पता लग गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर होगी आसान। आज की क्लास के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। अगली क्लास में हम सारी की सारी अरेंजमेंट खत्म कर देंगे इस चैप्टर की, कन्वर्जन तो होगी आज दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।